हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ग्यारह बराबर जीरो के मूलों का हारात्मक माध्य, क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? हारात्मक माध्य है। तो ए ऑप्शन दिया 1/5, बी ऑप्शन दिया 11/5, बी सी ऑप्शन दिया 5/21, डी ऑप्शन दिया 21/20। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, जो आपका समीकरण दिया है कि यहाँ देखिए जो समीकरण दिया है तो इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स प्लस 11 बराबर जीरो दिया है, तो इसके मूलों का हारात्मक माध्य पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ देखिए बी और ए कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए आपका एक्स दिया है, यानी कि इसके पहले क्या दिया है? वन। तो यहाँ से आपका बी का मान क्या दिया है फ्रेंड्स? यहाँ दिया है टेन, और यहाँ पे ए का मान क्या दिया है? वन। तो यहाँ देखिए रखेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है माइनस का टेन, अपान में ए का मान कितना दिया है? वन। तो यहाँ से आपका जो ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि टेन आ जाएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि मूलों का जो गुणनफल होता है, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, वो आपका होता है फ्रेंड्स सी बट्टा ए। क्या होता है फ्रेंड्स? सी बट्टा ए। तो यहाँ से देखिए सी का मान कितना दिया है? ग्यारह दिया है, तो ग्यारह लिख देंगे, और ए का मान कितना दिया है? वन। तो यहाँ से हो जाएगा वन, यानी कि ग्यारह आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान ग्यारह आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान दस आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मूलों का हारात्मक, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हारात्मक जो माध्य होता है फ्रेंड्स, वो आपका देखिए क्या होता है कि टू अल्फा इंटू बीटा, और अपान में होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि देखिए टू और इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है फ्रेंड्स? ग्यारह आया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? दस आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे दस। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? ग्यारह दुना बाईस, और अपान में दस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, दो से इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, दो एकम दो, और दो एकम दो, और दो पचे दस, यानी कि ग्यारह बट्टा कितना आ गया फ्रेंड्स? पाँच। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि ग्यारह बट्टा पाँच, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? की राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि समीकरण अंडर रूट दिया है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो या 3 अंडर रूट 3 तथा माइनस 2 अपान अंडर रूट 3, तथा बी ऑप्शन दिया 3 अंडर रूट 3 तथा 2 अपान में अंडर रूट 3, और सी ऑप्शन दिया माइनस 3 अंडर रूट 3 तथा 2 अपान में अंडर रूट 3, डी ऑप्शन दिया 3 अंडर रूट 3 तथा माइनस 2 अपान में अंडर रूट 3। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से आपका जो समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो समीकरण आपका क्या दिया है फ्रेंड्स कि अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर अब प्लस में 11x अब प्लस 6 अंडर रूट 3 इजकल टू में 0 दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या होता है, एक व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इजकल टू 0 का रूप का है। तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि a इंटू सी करते हैं, यानी कि इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है, और जोड़ने घटाने में क्या करते हैं कि जो बीच में दिया रहता है फ्रेंड्स उसको लाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है कि अंडर रूट थ्री और इंटू में 6 अंडर रूट 3। तो यहाँ से इसका मान देखिए क्या हो जाएगा कि अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री का जब गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 6, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और हमको इसको ऐसा गुणनखंड करना होता है कि जोड़ने और घटाने पर हमको 11 आना चाहिए, ठीक है, बीच में का। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 9 × 2, इसका दो गुणनखंड हो जाएगा 9 × 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं समीकरण जो आपका है अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x को लिख सकते हैं फ्रेंड्स 9x प्लस 2x प्लस, यहाँ से कितना दिया है फ्रेंड्स? 6 अंडर रूट 3 इजकल टू 0 दिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें से देखिए अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस इस 9x को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 3 और अंडर रूट में 3 और एक और अंडर रूट में 3 एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 3, और 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और एक्स अब प्लस, यहाँ से देखिए कितना दिया है 2x अब प्लस 6 अंडर रूट 3 इजक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया। और देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से हम अंडर रूट 3x को कॉमन कर लेंगे, तो अंडर रूट 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स
प्लस, यहाँ से देखिए अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा थ्री अंडर रूट थ्री, क्या बचेगा थ्री अंडर रूट थ्री अब प्लस। देखिए इन दोनों में से क्या काम आने फ्रेंड्स, आपका काम आने दो, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा एक्स अ प्लस दो त्याई छः, यानी कि थ्री अंडर रूट थ्री और बराबर आपका जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में आपका हो गया एक्स प्लस थ्री अंडर रूट थ्री और एक्स प्लस थ्री अंडर रूट थ्री, तो इसको क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अंडर रूट थ्री और एक ब्रैकेट्स में हो जाएगा फ्रेंड्स कि अंडर रूट थ्री एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको एक बार जीरो कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस थ्री रूट में थ्री, और यहाँ से जब करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स कि माइनस का टू अपान में रूट थ्री। तो देखिए फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका जो आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन चार, देखिए इसमें जो आपका ए ऑप्शन है माइनस, ए ऑप्शन है माइनस थ्री अंडर रूट थ्री तथा माइनस टू अपान में अंडर रूट थ्री, यानी कि जो आपका देखिए यहाँ पर जो आपका मूल दो मूल आ गया है माइनस थ्री अंडर रूट थ्री तथा एक्स बराबर माइनस टू अपन में अंडर थ्री, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट पी माइनस पंद्रह इक्वल टू जीरो के दोनों मूल, क्या बोल रहा है कि दोनों मूल क्या वो समान है, तो पी का मान है, ए ऑप्शन दिया तीन या पचास, बी ऑप्शन दिया दो या पचास, सी ऑप्शन दिया तीन या चालीस, डी ऑप्शन दिया दो या तीस। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका प्रश्न में बोल दिया है कि समीकरण जो आपका दिया है इनके दोनों मूल क्या है समान है, तो यहाँ देखिए जो आपका समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर आपका समीकरण दिया है फ्रेंड्स कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट पी माइनस पंद्रह इजकल टू जीरो। देखिए फ्रेंड जब जब भी आपका समीकरण के दोनों मूल समान जब बोलेगा तो जो विभेदकर होता है फ्रेंड्स यानी कि डी का जो मान हो जाता है वो आपका जीरो होता है, तो विभेदकर डी इजकल टू क्या होता है फ्रेंड्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बी का मान, बी का मान देखिए क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ से क्या दिया है फ्रेंड्स पी दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस पी का स्क्वायर माइनस फोर और इनटू में ए, ए का मान कितना दिया है फ्रेंड्स वन दिया है, और सी का मान देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एट पी माइनस पंद्रह, एट पी माइनस पंद्रह और बराबर में जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स माइनस पी का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर माइनस, देखिए इसका जब इसमें और माइनस, देखिए माइनस और माइनस दिया था प्लस हो जाएगा पंद्रह चौको साठ बराबर जीरो। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है तो देखिए जो आपका साठ दिया फ्रेंड्स तो साठ का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना चाहिए आठ चौको, देखिए फ्रेंड्स आठ चौको कितना होता है फ्रेंड्स बत्तीस होता है, हमको बत्तीस लाना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि साठ को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स तीस गुणे दो, तीस गुणे जब दो करेंगे तो कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको बत्तीस मिल जाएगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस बत्तीस, यहाँ देखिए फ्रेंड्स तीस पी माइनस टू पी और प्लस में साठ बराबर जीरो। अब देखिए क्या करेंगे इसमें से पी को कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी माइनस तीस और माइनस दो कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी माइनस तीस बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है सेम है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा p माइनस तीस और एक कोष्टक में हो जाएगा p माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए यदि हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा तीस, और यहाँ से भी जब p का मान निकालेंगे तो आ जाएगा दो, और तीस और दो हो जाएगा। ठीक है चलिए फ्रेंड देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दो या तीस, या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स तीस या दो, यानी कि ई के जो मान आ गया फ्रेंड्स वो कितना आ गया तीस और दो, तो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है, यदि टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस पी बराबर जीरो का एक मूल दूसरे मूल का दो बटा तीन गुना हुआ है, तो ये यानी कि एक ऑप्शन दिया है पी बराबर माइनस तीन होगा, बी ऑप्शन दिया पी बराबर छः होगा, सी ऑप्शन दिया पी बराबर नौ होगा, डी ऑप्शन दिया पी बराबर बारह होगा। ये चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि यदि टू एक्स स्क्वायर माइनस एलेवन टेन एक्स प्लस पी बराबर जीरो का एक मूल दूसरे मूल का क्या है दोगुना है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करेंगे कि माना माना एक मूल, एक मूल जो है आपका क्या है फ्रेंड्स वो आपका है अल्फा है, तो प्रश्न में बोला है कि एक मूल दूसरे मूल का दो बटा तीन गुना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स दूसरा दूसरा मूल, दूसरा मूल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स दो बटा तीन और गुणे अल्फा, यानी कि इसका क्या है दो बटा तीन गुना है, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स माइनस बी बटा ए होता है,
यहाँ देखिए, एक मूल आपका दिया अल्फा, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा आ प्लस। दूसरा मूल क्या दिया फ्रेंड, 2/3 गुणे अल्फा, यहाँ से आपको हो जाएगा यानी बीटा का मान 2/3 गुणे अल्फा बराबर बी माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न में दिया है, तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, माइनस दिया है ऑलरेडी, तो -10 और बटा ए का मान, ए का मान देखिए कितना हो जाएगा, ए का मान कितना दिया फ्रेंड्स, 2 दिया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 अल्फा और प्लस 2 अल्फा और अपान में 3 बराबर, देखिए ए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 से जब 10 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो यहाँ से कितना जाएगा, 5। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अल्फा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 5 अल्फा/3=5। अब 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो अल्फा का मान कितना आ गया, 3। अल्फा का मान यहाँ से आ गया फ्रेंड्स 3। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इसका मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए जो आपका एक मूल है, यानी कि एक मूल जो आपका अल्फा दिया है फ्रेंड्स, वो आपका आ गया 3। और दूसरा मूल जब निकालेंगे, देखिए दूसरा मूल जब निकालेंगे तो दूसरा मूल आपका क्या बोला है फ्रेंड्स, 2/3 × अल्फा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स रख देंगे 2/3 × अल्फा का मान यहाँ से कितना आया, 3। तो 3 से 3 को जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे α×β का मान, देखिए α×β, तो α×β बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए α×β बराबर आपका होता है फ्रेंड्स C/A। तो यहाँ से अल्फा का मान आपका क्वेश्चन में क्या दिया था फ्रेंड्स, आपका दिया था फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपका आ गया है 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3 और इंटू बीटा का जवाब क्या रखेंगे, 2। तो बीटा का जवाब 2 रखेंगे = C/A। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सी का मान क्या दिया है फ्रेंड्स, पी दिया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या रखेंगे, पी, और अपान में क्या रखेंगे, 2। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यानी कि C/A होता है, तो ए का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स रख देंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ से पी का मान देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 6, और इसमें 2 का जब गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 12। यानी कि जो पी का मान आ गया वो आपका आ गया कितना, 12। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, पी बराबर 12, आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।